दुनिया को अलविदा कह चुके एक्टर सुशांत सिंह राजपूत कथित तौर पर एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को डेट कर रहे थे। रिया रविवार को उनके अंतिम संस्कार में उनके परिवार के साथ शामिल हुई थी। फिल्म मेकर रूमी जाफरी ने अब खुलासा किया है कि उन्हें अपनी पहली फिल्म में दोनों को एक साथ निर्देशित करना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण शूटिंग स्थगित कर दी गई थी। रूमी ने एक इंटरव्यू में बताया, एक रोमांटिक कॉमेडी यह सुशांत के नृत्य कौशल का पता लगाने के लिए था। वे एक शानदार डांसर थे और मेरी फिल्म ने उन्हें एक अलग ही रोशनी में दिखाया होता। उन्हें शाहरुख खान की एक्टिंग और गोविंदा के डांस बहुत पसंद थे और इसलिए मेरे पास गोविंदा शैली के मूव्स के साथ पूरी तरह से एक डांस नंबर था जो हमारे मुहूर्त के लिए योजनाबद्ध था। रूमी जाफरी ने कहा कि फिल्म का पहला शेड्यूल मुंबई में शुरू होना था और फिर उन्होंने लंदन और पंजाब के अन्य हिस्सों में शूटिंग करनी थी। फिल्म की शूटिंग 6 महीने के भीतर पूरी की जानी थी और इसे इसी साल नवंबर तक पूरा करने की योजना थी। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने पर परेशान हो जाते थे सुशांत। फिल्म मेकर रूमी ने यह भी साझा किया कि कैसे सुशांत पोस्ट लॉकडाउन में वापस काम करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में उनके बहुत सारे दोस्त नहीं थे, लेकिन अपने काम को लेकर वे बहुत भावुक थे। वे लॉकडाउन के दौरान भी मेरी स्क्रिप्ट पढ़ते रहे और एक संयुक्त कथन पर उत्सुक थे। वे जल्द ही फिल्म पर काम शुरू करने की उम्मीद कर रहे थे और हर बार लॉकडाउन की अवधि बढ़ने पर परेशान हो जाते थे, क्योंकि वे काम पर वापस जाना चाहते थे और रिहर्सल करना चाहते थे। उन्होंने अभिनेता के साथ अपने हालिया बातचीत को भी साझा किया और कहा, मैंने उन्हें लगभग 4 से 5 दिन पहले मैसेज किया। जब मुझे पता चला कि उनके पूर्व प्रबंधक दिशा का निधन हो गया, मैंने उसे ध्यान रखने के लिए कहा और उसने 4 दिल और लव यू सर के साथ उत्तर दिया। उसने जल्द ही मिलने का भी वादा किया। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ।